इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। यह अहम जानकारी हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी बने हैं। बता दें कि इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने सुबह ही सीएम पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज हरियाणा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया और शाम 5 बजे के करीब नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी बने हैं और कंवरपाल सिंह ने भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उनसे काफी नाराज थे और वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद आज हरियाणा के नए सीएम सैनी बने हैं। यह अहम जानकारी हरियाणा से सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की, जहां नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल देखने को मिला। लोकसभा सीट की शेयरिंग को लेकर जेजेपी और बीजेपी के बीच में दरार देखने को मिल रही थी, जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद ही आज हरियाणा में ये बड़ा फेरबदल हुआ, जिसके बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम बन गए। बता दें कि इससे पहले आज ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था और जिसे फौरन ही स्वीकार किया गया। उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार में आज ये नया फेरबदल देखने को मिला है, जिसके बाद नायब सिंह सैनी नए सीएम के रूप में नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आज किस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे मंत्री भी हैं जो नाराज चल रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। खट्टर ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ आज सुबह इस्तीफा दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला। लोकसभा चुनाव से पहले ही ये जो बीजेपी और जेजेपी के बीच का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा का सीएम कौन बनेगा, जिसके बाद दो नामों पर मंथन चल रहा था। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नायब सिंह सैनी ने नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा।